हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन प्रदेश में कहीं ना कहीं महिला उत्पीड़न, यौन शोषण और दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं पहाड़ों की रानी शिमला में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां शूटिंग के लिए आई एक मॉडल के साथ निजी होटल में दुष्कर्म हुआ है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिमला महिला थाना में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने लुधियाना के युवक पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। महिला पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले पर एएसपी शिमला सुनील नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 27 दिसंबर को मिली शिकायत के आधार पर आरोपी युवक पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। महिला की शिकायत के अनुसार आरोपी युवक पंजाब का रहने वाला है। आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ शुरू की गई है। ये हमारे को शिकायत पत्र प्राप्त हुई थी जो महिला है इनकी तरफ से, तो इसमें हमें जो है 27 तारीख को अभी इस महीने की जो है शिकायत मिली है, जिसके आधार पर जो है महिला थाना में जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें रेप का मामला जो है महिला के कथनानुसार जो है आरोपी जो है पंजाब का रहने वाला है, उसके विरुद्ध इसमें अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें जो है 376 आईपीसी के अंतर्गत जो है मामला दर्ज किया गया है, और इसमें अभियोग दर्ज करके अभी जो है अन्वेषण जो है इसमें प्राथमिक स्तर पे है और इसमें अन्वेषण किया जा रहा है, तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसके बाद जो है आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो ये पंजाब का रहने वाला है, जैसा मैंने बताया पंजाब का ही है जो शिकायत करता है, ये भी पंजाब की रहने वाली है, तो दोनों पंजाब के रहने। हाँ, इनका कहना है कि ये जो महिला है जो पीड़िता है उनका कहना है कि ये जो है इनको ये कोई शूटिंग वगैरह के लिए आए थे शिमला में, तो 22 तारीख को शायद ये आए थे शिमला में और वहाँ पे कहीं होटल में इनके साथ ये जो जबरदस्ती हुई है।